गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? कुंदनपुर है सर। तुम्हारे पापा का नाम? जय नारायण सर। क्या करते हैं? नहीं रहे सर, ऊपर चले गए। कैसे? वो हमारे गांव के प्रेसिडेंट थे। गरीबों को बीमारी दूर करने के लिए फिश की दवाई देते थे। एक दिन उस दवा ने बुरा असर किया जिससे बहुत लोगों की जान चली गई। इसलिए लोगों को गुस्सा आया और उनका कत्ल कर दिया। तो लोगों ने तुम्हारे पापा की जान ले ली? छोड़िए ना सर, बचपन में हुए हादसे के बाद अब क्यों याद दिला रहे हैं? आपने शादी की बात करने को बुलाया था, वही बात करते हैं ना। मतलब सच में तुम्हारे गांव वालों ने ही तुम्हारे पापा की जान ले ली थी? हाँ सर। ओके ओके, तो ऐसे चल बसे थे। सॉरी, एक्चुअली मुझे तुम्हें बुलाने का पर्पस ही अलग था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए तुम्हें जिंदा वापस छोड़ रहा हूँ। सुनो, मेरी बेटी की शादी होने तक इंडिया छोड़ दो। क्या सर, वार्निंग दे रहे हो? ऑर्डर। ऑर्डर है तो इस देश को ही क्या, इस शहर को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने फैसला कर लिया। तुम किससे क्या बोल रहे हो पता भी है? एक सिग्नल दूंगा तो शरीर में सैकड़ों गोलियां धस जाएंगी। हाँ दीजिए ना। ए, 5 साल से सत्ता में रहने वाला सीएम हूँ मैं। 100 सालों से सत्ता में रह रहा सीएम हूँ मैं, कॉमन मैन, वोट पावर। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में हवा में गायब हो जाऊँ। 1 घंटा नहीं, 24 घंटों का टाइम दे रहा हूँ। जितनी तरह से चाहते हो उतनी तरह से कोशिश करो। इस बात की हेकड़ी है तुम में? फेमस हो गए हो या सेलिब्रिटी हो गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी करो प्रेस मीडिया पीछे पड़ जाएगी, ये सोचते हो? मैं सपोर्ट लेकर ऊपर आने वालों में से नहीं हूँ, खुद के दम पर ऊपर आया हूँ। क्या है ये सुसाइड नोट? मेरी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, ये लिख कर दिया है मैंने। इंसानों का इस्तेमाल करो या शैतानों को बुला लो, दिमाग का इस्तेमाल करो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी। 24 आवर्स सीएम वर्सेस सीएम, कोशिश कर लो। चौबीस घंटों के अंदर मैंने मेरे हाथ रंगे बिना तुम्हें नहीं मरवाया तो अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करवा दूंगा। मेरी शुक्र महादशा सालसा डांस कर रही है, यूँ खिलवाड़ मत करो, एक बार सोच कर देख लो। मुझे नहीं तुम्हें सोचना है कि इस कंपाउंड को कैसे पार करो। जनरली मीडिया बात करे तो हम कानों से सुनते हैं, लेकिन जब कान में ही मीडिया हो तो कैमरा लगा कर आए हो। शेर का शिकार बन जाऊं? मैं बलि का बकरा नहीं हूं, मैं शेर का शिकार करता हूं। इंटेलिजेंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार, टेक केयर ऑफ ससुर जी। ससुर जी, सी यू आफ्टर 24 आवर्स। ससुर जी, कीप दिस। उठाओ सर। कैमरा? सर ये कोई कैमरा वैमरा नहीं है सर, वो तो आपको बेवकूफ बना गया। उसकी तो मैं अब किसका फोन है? हेलो पॉल, आंवला पॉल। हे मिस्टर पॉल, आप कैसे इस टाइम पर? अरे मैं कितनी बार फोन करूं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, मैं फोन कर रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है। इस इंटरव्यू से तुम कहां पहुंचोगे पता है? फिलहाल बात करूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। ओए, इस देश में मुझसे ज्यादा बिजी भला और कौन हो सकता है? मेरे कॉल करने के बाद भी ना कहोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। अभी इंटरव्यू करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? मैं कहां पहुंच जाऊंगा? हाँ वही 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 वही, आप इंटरव्यू करोगे तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वही ना, रोड नंबर 12 पर आकर मुझे पिकअप कर लो, वही इंटरव्यू कर लेंगे। कमिंग। मेकअप करवा कर रेडी रहो। फंस गया ना, चलो मारो इसे। अरे कमेडियन भी हीरो का स्टंट करने लगे। ए, चलो जल्दी करो। व्हाट अ टाइमिंग सर, व्हाट अ टाइमिंग। इसी टाइमिंग की वजह से मेरा टाइमिंग बढ़िया चल रहा है। सर आप इंटरव्यू के पहले कार लॉक क्यों कर रहे हैं? मेरा स्टाइल ही ऐसा है। हाँ। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले डोर लॉक कर देता हूँ। हाँ। कहीं इंटरव्यू से पहले भाग गए तो? ओहो, बीच में अगर कहीं रुकना पड़े तो? चाहे जो हो जाए नहीं खुलेगा। हाँ। बताया ना मेरा स्टाइल ही ऐसा है। अब बताओ तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ था? पत्थर से।
ये लोग कौन है? ये सीएम साहब के लोग हैं। तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं उनकी बेटी के पीछे पड़ा था, तो आप ये लोग मेरे पीछे पड़े। ये बात तुमने अब तक क्यों नहीं बताई? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, इसलिए सोचा आपको इस चेस की कैप में ही बुला लूं। कैप में? उनके नजदीक आने तक मेरा इंटरव्यू फिनिश कर दो। मेरी लाइफ को इस दुनिया के सामने ला कर रहो सर। अरे मौत सामने खड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आऊँ? ये कोई टाइम है इंटरव्यू करने का? ये क्या सर, आप बीच में नहीं रुकने वाले थे? अरे गलती से कह दिया था, अब डोर लॉक तो खोलो। ये क्या है, इतनी टेंशन में तुम गेम खेल रहे हो? टेंशन कम होगा ना, इसलिए जंगली रमी खेल रहा हूँ। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, डोर जल्दी से खोल। वन सेकंड। Come on, come on, Mr. Paul, hurry up. Come on, come on. Let's continue the interview in the auto. Please come, sir. अपने आगे आगे आगे। Come, come, come. सुनो भाई, इंटरव्यू बाद में करेंगे, पहले मुझे इनसे बताओ। सुनो, मेरा गला सूख रहा है, कुछ पीने का इंतजाम हो सकता है? One second, sir. ये लीजिए, पीजिए। अरे इसे ऐसे ऐसे कैसे पी सकते हैं? दिमाग है कि नहीं? जरा इस नारियल को बाहर पकड़िए। यार इससे क्या होगा? अब देखो मत गटक लो। छोड़ने का नहीं उसको, जल्दी कर। अरे बाहर से ये लोग लगता है मेरा सीख कबाब बना के रहेंगे। अरे अपने सबसे तो छत ही उड़ गई। ओपन एयर, ओपन इंटरव्यू के लिए, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी कर। क्यों बे? हाँ मिस्टर पॉल, प्लीज गेट डाउन, उतरिए। और कितना नीचे उतरूं? मैं पहले से नीचे उतर चुका हूँ। वो बचना नहीं चाहिए, पूरी फोर्स लगा दो। अरे कौन लोग हैं ये? चबाकर थूके हुए चुंगम की तरह पीछे पड़ गए हैं। जरा फोन दीजिए तो। तुम्हारा खुद का फोन नहीं है? तुम्हें जवाब चाहिए, जान चाहिए, फोन ये दो। कोई पूछने वाली बात है? 200 कैब्स अर्जेंट ऑन रिंग रोड। 200 कूल कैब किस लिए? क्या यार, इतनी सारी टैक्सीज में उनकी टैक्सी कौन सी है कैसे पता चलेगा? यार ये तो सच में बहुत शातिर है। ओहो, लाइफ का सबसे घातक इंटरव्यू। तू जा भाई। ये क्या है? मेरे ऑटो में सिर्फ यही बच गया है, डैमेज का 1,00,000 दो। हाँ? 1,00,000? हेलो, चेक तो गया कैश। क्या चेक, क्या कैश? जो कूल कैब तुमने बुक की थी उसके पैसे, उसका बिल हुआ है 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए? ओ हे मीरा डार्लिंग। अक्की कहाँ गायब हो गए थे? मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। डैड ने तुमसे क्या कहा? डैडी क्या कहेंगे, मैं गया, बात की और डन। ओके कर दिया उन्होंने? या आई एम सो थ्रिल्ड। ये तो कुछ भी थ्रिल नहीं है, आगे आगे देखो, बहुत सा थ्रिल मिलेगा। अक्की ओके बाय। नहीं नहीं, तुम्हारे घुंडों से कुछ नहीं होगा, पुलिस फोर्स कमांडो सबका इस्तेमाल करो, बस वो बचना नहीं चाहिए। महोदय। गजपति अंकल, ये क्या है? चलो चल चल। ठीक है, आ जाओ। Thank you.
A very good morning, sir. मेरी जिंदगी में अंदर तक घुस चुके हो, बस चेयर पर कोने पर क्यों बैठ जाते हो तुम? इज्जत करता हूँ ससुर जी की, इज्जत, रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट। आपका पेपर वेट भी कुर्सी है, आपको शायद पावर में रहना बहुत पसंद है। क्या ये? आप ही ने लिख कर दिया था, आपकी बात के मुताबिक आप अपनी बेटी मुझे सौंप देंगे, मैं उसे घर ले जाऊंगा, सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक मिनट मेरी जगह पर आकर सोच कर देखो यार, तुम जैसे को मैं अपनी बेटी कैसे सौंप सकता हूँ? गुस्से में लेटर लिखने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने कहा था ना शुक्र महादशा डांसिंग। देखो गोवा के पास बीच समंदर में मेरे पास एक आइलैंड है, 200 acres काफी होगा। मीरा को भूल जाओ, मीरा के बगैर आइलैंड किस काम का? शमशाबाद एयरपोर्ट के पीछे 300 acres जमीन है, मीरा के बिना वो जमीन किस काम की? ओके तो फिर 500 crores लिक्विड दूंगा, लाइफ टाइम सेटलमेंट। तो मीरा किस काम की? ठीक सुना आपने, 500 crore लिक्विड कैश, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने अभी जो फिगर बताई मीरा की फिगर कुछ नहीं है सर, एक दिन तो आपसे मैं पंगा ले सकता हूँ, पर मुझसे रोज रोज तो नहीं हो सकता ना। जल्दी कीजिए सर, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है इसमें, तुम सचमुच मान गए हो? और क्या सर, आपका दिया ऑफर पसंद आया कह रहा हूँ तो आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हो। सर हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपना मन बदल ले उसे पहले ये डील फाइनल कर दीजिए, कर दीजिए सर। बाप रे बाप, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे, मेरे वॉलेट में तो कभी 5,000 भी साथ में नहीं आए थे, और ये 500 crore, अरे बाप रे।